चंडीगढ़ पुलिस की पीओ और समन स्टाफ सेल की टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास करने वाले दो भगोड़ों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी 21 साल और दूसरा आरोपी 11 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 21 साल से कोर्ट से फरार चल रहा आरोपी सेक्टर 39 की मंडी के पास देखा गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। वहीं पुलिस ने 11 साल से फरार चल रहे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान बड़माजरा निवासी जिला मोहाली के मनोज के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपी पर 39 थाना में और 36 के थाना में केस दर्ज है। आरोपी लगातार नाम और घर का पता बदल पुलिस को चकमा दे रहा था। फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। भाई, ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है, किस अवधि में पकड़ा गया है और कितने समय बाद पकड़ा गया है? ये सर 21 साल के बाद पकड़ा गया है। वारदात करने के बाद से ही ये उस टाइम बाद भाग गया था, पुलिस की कस्टडी में से नहीं आया। ये दूसरा मुजरिम था, इसके साथ पकड़ा गया। ये फरार था 21 साल में। और अगर बात की जाए तो आज इन्हें कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट द्वारा क्या आदेश हुए? कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं किया है। कोर्ट का भी आदेश चलेगा, उसकी फैन निकलेगी, उसके बाद जो भी आदेश करेगा उसके बाद। ये किस केस में इन्वॉल्व थे? कुछ ये था वारदात हत्या का प्रयास, 307 392 34 IPC हत्या का, लूटपाट और हत्या का प्रयास करना और आर्म्स एक्ट इनके पास से मिला। तो ये कौन से थाने का मामला था? ये पुलिस स्टेशन छत्ती का मामला। बता दें कि पीओ एंड समन स्टाफ सेल की टीम दोनों आरोपियों की काफी लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसके चलते कई राज्यों में छापेमारी भी की गई थी। फिलहाल ये दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।